हेलो फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। और मेरा ब्लॉग हो गया है स्टार्टअप, मतलब यानी कि दोपहर से। तो ये ब्लॉग मैंने अपना दोपहर से स्टार्ट कर दिया है और अब हो रहा है टाइम 1:20। तो 1:20 हो चुका है और दिन है आज फ्राइडे। तो आज मेरा फास्ट है शुक्रवार का, और क्योंकि सुबह से पूजा वगैरह में, मतलब पूजा में लग रही थी और साफ सफाई करी, मैं फास्ट था तो घर पे साफ सफाई भी देखो जरूरी है। तो वही सुबह से मैंने मतलब पोछा झाड़ू बर्तन वगैरह सारे करके, अपनी पूजा वगैरह करके, मैंने सोचा भाई एक बार तभी स्टार्ट करूंगी व्लॉग जब मेरा मेरा काम निबट जाएगा। इतना मेरा काम नहीं निबटता, इतना मजा भी नहीं आता है मेरे को कुछ, मतलब किसी काम में मेरा मन भी नहीं लगता है। तो मेरा अब सब सारा काम मतलब फाइनली खत्म हो चुका है और आज मैंने कपड़े नहीं धोए हैं। तो मैंने सोचा चलो भाई अब मुझे टाइम मिला है तो मैं अपना ब्लॉग स्टार्ट कर देती हूँ। तो मैंने अपना ब्लॉग अब 1:20 पे स्टार्ट किया है दोपहर के, और अब फास्ट है तो कुछ भूख लगे, मैंने बस एक बार चाय पी ली है अपना फास्ट, मतलब पूजा करके। तो उसके बाद मुझे बनानी है कुछ अपने लिए। आज क्या बनानी सोच रही हूँ कि आज मैं क्या बनाऊँ अपने लिए। तो मेरी भी दुकान में कुछ कपड़े फैले हुए हैं तो मुझे वो सेट करनी है अपनी दुकान। तो मैं ये सोच रही थी आज क्या बना जाए, बनाया जाए अपने लिए। तो समझ में ही नहीं आ रहा है कि आज क्या बनाऊं मैं। तो आदि ने कंबल निकाला है, मैंने रख दिया था। आज मौसम बहुत ठंडा हो रहा है, आज मतलब धूप भी नहीं निकल रही है बिल्कुल भी, आज धूप है ही नहीं। तो ये आदि ने कंबल निकाल लिया, तो मैंने सुबह रख दिए थे उठा के, उसने फिर निकाल लिए। उसे मैंने बोला कि भाई पढ़ाई कर ले, पढ़ाई कर ले, लेकिन नहीं, वो बंदा सुनता ही नहीं है। तो पढ़ाई में तो लगी नहीं, वो टीवी में लग गया जाके अपने, तो टीवी में बैठा हुआ है। तो अभी ये आए थे तो उन्होंने उसको डांटा है अच्छे से, तब उसने टीवी को छोड़ा है। तो फिलहाल किचन में कुछ चलते हैं तो कुछ देखते हैं अपने खाने का कि आज क्या बनाया जाएगा। फास्ट में आज आलू तो मैं नहीं बनाऊंगी, अब इतना दिन बड़ा भी नहीं है कि मैं आलू बनाऊं, और फिर एक मौसम भी थोड़ा ठंडा है। तो मैं सोच रही हूँ क्या बनाऊं आज खाने के लिए, क्योंकि गर्मी में तो आलू उबाल लिए थे मैंने, और उबाल लेती थी और अपने मतलब दही से खा लिए, लेकिन इन दोनों में दही भी नुकसानदेह, क्योंकि तो गले में खराश वगैरह भी हो रही है, हो भी रही है और कुछ और हो जाएगी। तो इसलिए मैं दही से आलू नहीं खाऊंगी और ना ही मैंने आलू को उबाला है। तो सोच रही हूँ अब कुछ स्पेशल बनाने का, स्पेशल भी नहीं है, पहले भी खाती थी। तो मैं ये साबूदाना है तो इसको दे देती हूँ, थोड़ी देर इसे भिगा के रख दूंगी। तो साबूदाने की खीर बनाऊंगी आज, खुल भी नहीं रही है। तो मैंने साबूदाने को भिगा के रख दिया है अपना, तो उसको थोड़ी देर मतलब ऐसे आधे घंटे भीग जाएगा, तो उसके बाद मैं उसको बना लूंगी अपना, थोड़ा सा हल जरा सा ही बनाऊंगी अपने लायक, मतलब अपने लिए सिर्फ। तो उसको मैंने भिगा दिया है और थोड़ी देर में उसको बना लूंगी। तो इतने में कुछ और अपने काम निपटा देती हूँ भाई। तो देखती हूँ क्या काम है मेरा, कुछ सामान फैला हुआ है इसको भी सब सेट कर देते हैं अपनी जगह पर। तो चलो भाई यहाँ की लाइट बंद करके चलते हैं किचन में। किचन में जाके मैं अपनी खीर बनाने रख देती हूँ थोड़ी देर के लिए। और सर धोया था आज, फास्ट था तो मैंने सर भी धो लिया है अपना। क्या लू बनाने के लिए, तो इस वाले भगोने में बना लूंगी। यहाँ पे मैंने अपनी खीर को, मतलब मेरी खीर बन के हो चुकी है तैयार। तो इसमें मैंने मतलब चीनी डाल रही हूँ, और चीनी को मैंने गिलासी में ले रखा है क्योंकि मैंने आज चीनी वाला डब्बा धो दिया है तो वो भी सूखा नहीं है।
तो मैंने चीनी को गिलास में ही लिया हुआ है, तो वही मैं देख के मतलब चम्मच से डाल रही हूँ, छोटी सी चम्मच ले रखी है, तो उसी से मैंने कई बार हो गया है मतलब उसमें डाला है। तो यहाँ पे मेरी मतलब ये साबूदाने की खीर बन के हो गई थी। पहले नहीं खाती थी मैं, अब खाने लगी हूँ। जैसे मम्मी ने एक दो बार बनाई, पहले हमारी मेरी मम्मी भी बनाती थी, तब मैं नहीं खाया कभी, कभी भी नहीं खाती थी जैसे वो बनाती थी कभी तो। लेकिन मैंने यहाँ पे अब जैसे जैसे मतलब बड़े होते जा रहे हैं वैसे उसी तरीके से मतलब अभी अच्छी लगने लगी है, तो मैं भी इसको खा लेती हूँ। मम्मी ने एक दो बार बनाई है तो मैंने मतलब खाई तो काफ़ी अच्छी लगी। और कोई नहीं खाता है, आदि भी नहीं खाता है वैसे, मैंने उसको दी थी तो वो भी नहीं खा पाता है। और तो यहाँ पे टाइम हो चुका है शाम का, 3:30 बज गए हैं, मतलब 20 मिनट हो चुके हैं, तो शाम के 3:30 बज गए हैं। फ्रेंड्स, मैंने अपनी खीर वगैरह मतलब जो मैंने साबूदाने की खीर बनाई थी तो वह मैं खा चुकी हूँ, और मैंने अब आलूओं को रख दिया है उबलने के लिए। और बाहर का मौसम बहुत अच्छा हो रहा है, मतलब बहुत अच्छा, क्या मतलब मौसम ऐसे हो रहा है, धूप तो आज है नहीं, तो वही मैं आपको दिखा देती हूँ कैसा मौसम है आज बाहर का। ये देखिए, तो आज बिल्कुल भी धूप नहीं है। बैक कैमरे से मैं आपको दिखा देती हूँ, तो ये देखिए, ये देखिए, तो आज मौसम मतलब बारिश वाला मौसम हो रहा है, तो बारिश तो खैर नहीं आने वाली है, पर फिर भी मौसम काफ़ी अच्छा हो रहा है। ये देखिए, तो मैं थोड़ी सी देर बाहर घूम रही थी, कोई यहाँ पे बैठा भी नहीं था, तो मैंने सोचा भाई थोड़ी देर हम बाहर घूम लेते हैं। और जब बाहर घूम रहे तो हमने सोचा भाई आपको भी दिखा देते हैं कि बाहर का मौसम कैसा है कैसा नहीं है। तो आज मैंने कपड़े नहीं धोए हैं, और ये तौलिए वगैरह मैंने डाल रखे हैं तो ये भी सूखे नहीं है आज, मतलब धूप है ही नहीं बिल्कुल भी। उसके बाद हम चलते हैं अंदर। गले में खराश हो रही है, मौसम ठंडा हो रहा है तो उसकी वजह से खराश है गले में। और गर्मियों में तो मैं बाल बिल्कुल एकदम मतलब बांध के रहती हूँ कि एक बाल ना निकल जाए, और सर्दी सर्दी मेरे बाल बनने वाले नहीं है, सर्दी सर्दी मेरे बाल खुले रहेंगे। ये आदि भी ना सामान को पता नहीं कहाँ कहाँ फैलाता रहता है, मैंने यहाँ पे रखा था, किधर कर गया पता नहीं क्यों फैलाता है ये लड़का, ऐसे काम क्यों करता है। हाँ तो फ्रेंड्स, मेरे बाल मतलब ऐसे ही बन रहे, और आज अंकल जी की रजाई मतलब जो कंबल था वो कंबल ओढ़ रहे थे, लेकिन अब उन्हें रजाई की जरूरत पड़ी तो आज उनकी रजाई जब हमने देखी तो कहीं मिली नहीं है, तो मतलब बेडों में भी ढूंढ लिया है और मतलब संदूक में भी उन्हें देखा है, लेकिन उनकी रजाई का कोई अता पता ही नहीं है। मतलब सारी हमने मम्मी ने और मैंने सारी जगह देख लिया है तो कुछ भी नहीं पता चला है, रजाई गई तो गई कहाँ उनकी। तो फिलहाल हमने उनके लिए दूसरी निकाल के रख दी है, तो शायद कौन आया है, देखते हैं बाहर कोई है। और ये है शाम का टाइम, तो यहाँ पे मेरा मतलब खाना वगैरह सब हो गया है, सारे बर्तन वगैरह मतलब मैंने सिंक में पहुंचा दिए हैं, जो भी मतलब सब्जी बनाई थी वो भी खाली कर लिए हैं, और मुझे यहाँ पे स्लेब साफ करनी है अपनी, मतलब जो भी टाइल्स वगैरह हैं इनको गैस को साफ कर लूँगी मैं यहाँ पे, तो यहाँ पे मेरी मतलब ये सारी सफाई हो जाएगी। तो ये गैस वगैरह मैं रात को साफ करके रख दी, क्योंकि सुबह जल्दी उठ के फिर आदि के स्कूल की तैयारी भी करनी होती है, तो अपने इस चूल्हे को मैं अच्छे से साफ़ कर लूँगी, और जो भी मेरे बर्तन वगैरह इनको भी साफ़ कर लूँगी अपने। तो यहाँ पर मैंने अपने गैस चूल्हे को साफ़ कर लिया है।
यहाँ पे मेरी मतलब ये अपना जिसमें मेरा आटा रखा हुआ होता है उस पे कनस्तर में, मतलब जो भी है ये ड्रम, तो इसको भी मैंने साफ़ कर दिया क्योंकि दिन में मेरे को इतना नहीं टाइम मिलता है, और तो मैं इस टाइम ही मतलब सब पे कपड़ा वगैरह मार के मतलब अच्छे से किचन की सफाई कर देती हूँ। तो मैंने नीचे भी अपने आटे वाले ड्रम पे भी कपड़ा मार दिया और स्लेब को भी साफ़ कर दिया, तो मेरे ये सारे काम निपट गए। तो यहाँ पे मेरे को ये दो भगोने में दूध रखा हुआ था, तो मुझे एक भगोना करना है, तो एक में से आधी और मैं ले लेंगे और एक को मैं फ्रिज में रख दूँगी। तो मैंने अपने दूध को भी अपने फ्रिज में पहुँचा दिया है, और अपने चेहरे के लिए मैंने गर्म पानी रख लिया है, तो क्योंकि मुझे चेहरा भी धोना होगा अपना रात में, क्योंकि रात में मुझे जरूर धोना होता है अपना फेस। तो फ्रेंड्स, मेरे सारे काम खत्म हो चुके हैं शाम के, और शाम के बज गए हैं 7:30। तो 7:30 बज चुके हैं और मेरा बर्तन भी हो गए हैं और सबने खाना भी खा लिया है, और मुझे धोना है अपना चेहरा। चेहरा जरूर धोना होता है मेरे को शाम को, और इनको भी मैंने खाना दे दिया क्योंकि ये भी 7 बजे आ गए थे, तो इनको भी मैंने खाना दे दिया है। और मेरा फोन लगा है चार्जिंग पर, तो मैं इसको हटा के थोड़ा सा तो बात करते हैं। और मेरे जो भी मेरे दूध वगैरह थे मैंने सब फ्रिज में पहुंचा दिए हैं अपने, क्योंकि मेरा काम खत्म हो चुका है। और ये थोड़ा सा दूध मैंने रख लिया है, तो ये आधी को दे दूंगी और कुछ मैं ले लूंगी। तो आधी को देना है थोड़ा सा शक्कर वगैरह डाल के, तो शाम को शक्कर डाल के दे देती हूँ इसको। को पता नहीं डॉक्टर ने नए नए वो बता रखे हैं कि ऐसे दो वैसे दो, मैं तो मैंने फिर उसको शक्कर डाल के दे देती हूँ जिससे इसका पेट भी साफ हो जाए, तो पेट की दिक्कत है इसको। तो फ्रेंड्स, रात के 7:30 बज गए हैं, और मैं वीडियो का यहीं पर एंड कर देती हूँ। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो फ्रेंड्स, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और गुड नाइट, बाय बाय।